तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं अपनी जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 5.4 आरडी शर्मा बुक से फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है हमें? क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है x की क्यूब प्लस 8y की क्यूब प्लस 27z की क्यूब और प्लस में क्या है आपके 18xyz। तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरीके से ही दिया हुआ है। बस क्या था कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके x की क्यूब प्लस y की क्यूब यानी फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट तीनों का जब क्यूब दिया हुआ था तो आइडेंटिटी में क्या होता है आप देख रहे हैं यहां पर हमारा प्लस होता है, ठीक है ना। बट यहां पर क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में जो है सेकंड एलिमेंट के आगे माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसे किस टाइप से सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट, x की क्यूब है आपका फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब है इसे क्यूब कर दीजिए। यहां पर देखिए आपको यहां पर प्लस दिया हुआ है तो आपको प्लस ही लगाना है और यहां से हमें आइडेंटिफाई करना है कि 8y की क्यूब माइनस का क्यों है। तो देखिए माइनस का क्या होगा अगर हम इसे माइनस के 2y की क्यूब का होल क्यूब करें तो आपको पता है जब माइनस का क्यूब होगा तो आंसर जो मिलेगा आपको माइनस में मिलने वाला है और 8 की अगर 2 का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अच्छा ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा कहीं आपको विजिबल ना हो रहा हो, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा से नोट कर देता हूं, ठीक है। तो क्या होगा माइनस के 2 y की क्यूब नोट कर सकते हैं और 27 को क्या नोट कर सकते हैं 3z का क्यूब, ठीक है प्लस, ठीक है a हो गया आपका b हो गया c हो गया फिर अब इसके आगे क्या होना चाहिए माइनस में a b इंटू c, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए माइनस में होना चाहिए तो इसे भी नोट करते हैं माइनस। अब देखो ये प्लस कैसे हो जाएगा माइनस के क्या होना चाहिए 3 इंटू a की वैल्यू क्या है x इंटू b की वैल्यू क्या है माइनस के 2y, ठीक है। और इसके साथ क्या है z की वैल्यू हो जाएगी। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहां पर इस माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई होकर क्या मिल गया प्लस बन गया ये, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया और 3 2 क्या हो जाएगा आपका 6 और सॉरी इसके साथ में z की वैल्यू है ये क्या है 3z है, ठीक है। तो 3 2 6 और 6 3 क्या हो जाएगा 18। इसलिए आपको यहां पर क्या मिला है माइनस माइनस की मल्टीप्लाई और प्लस प्लस की 18xyz, ठीक है। तो अब हमें अपनी आइडेंटिटी में सॉल्व करना है a प्लस b प्लस c यानी पूरी की पूरी आइडेंटिटी हम इसमें अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट एलिमेंट यानी x, सेकंड एलिमेंट क्या है आपका स्टूडेंट ये तो यहां से सेकंड एलिमेंट क्या है माइनस के y है, सेकंड एलिमेंट क्या है माइनस के y तो माइनस के y और प्लस थर्ड एलिमेंट क्या है 3z। तो देखिए a प्लस b प्लस c हो गया। अब इससे आगे क्या करना है हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो यहां से नोट करते हैं a स्क्वायर यानी फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस क्या होना है देखो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पर बी स्क्वायर करेंगे तो बी की वैल्यू क्या है माइनस के 2y है तो माइनस के 2y का स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा 4y स्क्वायर और प्लस 9z स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9z स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर हो गया आपका बी स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या चाहिए माइनस, देखो आइडेंटिटी में क्या है वहां पर माइनस है माइनस ए यानी फर्स्ट एलिमेंट एक्स इंटू जो माइनस में अब आपकी मल्टीप्लाई क्या होगी बी की वैल्यू की यानी बी क्या है 2y, ठीक है। और फिर से माइनस लगाइए आप माइनस फिर क्या हो जाएगा बी इंटू सी, तो ये तो हो गया आपका आइडेंटिटी में जो माइनस है और इसके बाद बी की जगह जो आपका एलिमेंट है उसका माइनस करेंगे यानी माइनस के 2y इंटू बी इंटू क्या होता है सी यानी 3z और फिर इसके साथ फिर से माइनस लगाएंगे माइनस फिर सी की वैल्यू क्या है 3z और फिर से ए की वैल्यू क्या है इंटू एक्स, ठीक है। यहां तक आप आए तो अब आप इसे क्या नोट कर सकते हैं x माइनस 2y और प्लस के 3z, ठीक है। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर प्लस के 9z स्क्वायर, ठीक है। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और तो यानी हमें क्या मिलेगा 2yz। देखो प्रॉपर वे में हम क्या लिख सकते हैं पहले x आता है या अगर एबीसी की बात कर रहे होते हैं तो पहले ए आता है फिर उसके बाद क्या आता है बी आता है फिर देन सी। तो इसलिए अगर हमें मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ए को लिखना चाहिए फिर हम बी को लिखेंगे और उसके बाद सी को। सेम इसी तरीके से अगर हमें एक्स वाई जेड में दिया हुआ है तो पहले क्या नोट करेंगे हम एक्स को, क्योंकि जब हम पहले क्या आएगा अगर आप अल्फाबेट्स पे चलते हैं तो पहले क्या आता है एक्स आता है देन वाई और देन जेड, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा उसी प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं तो देखो माइनस माइनस तो क्या होगा प्लस और फिर 2xy। अब यहां से चलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये भी प्लस हो जाएगा प्लस 2 3 2 6 yz और फिर माइनस में 3xz नोट कर सकते हो आप xz, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर जो है आपको मिल चुका है और आपका आंसर क्या हो गया x माइनस 2y प्लस 3z और फिर फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर।
प्लस के 2xy प्लस के 6yz और माइनस में 3xz या zx, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 में मिलते हैं।